अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश का है पे नंबर, आज हम कर रहे हैं 5। कल हमने किया था यूनिट 1 मेट द फैमिली, पे नंबर हमने 2 और 3 किया। पे नंबर 4 जब आप स्कूल आएंगे फिर मैं आपको करवाऊंगी। आज हम कर रहे हैं पे नंबर 5 यूनिट 1 लेसन 4। ठीक है, रीड अबाउट सांद्रास बेट्स फैमिली। अब ये सांद्रा की बेट फैमिली है जो अपने बारे में बता रही है। ठीक है, वी लिव इन ऑस्टन, हम ऑस्टन में रहते हैं। इट्स द मिडल ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के दरमियानी इलाका है। माई मदर्स नेम इज़ जूडी, मेरी माँ का नाम जूडी है। एंड माई फादर्स नेम इज़ एड, और मेरे वालिद साहब का नाम एड है। My mother is a doctor, मेरी माँ एक डॉक्टर है। She works at a hospital in Austin, ये ऑस्टन के एक अस्पताल में काम करती हैं। She looks after sick children, वो बीमार बच्चों की देखभाल करती हैं। My father is a reporter, मेरे वालद साहब एक रिपोर्टर हैं। He works for a newspaper, वो एक अखबार में काम करते हैं। He writes reports for the newspaper, वो उस अखबार के लिए रिपोर्ट लिखते हैं। He travels a lot, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। मैं 8 साल की हूँ। My brother Dan is 10, मेरा भाई Dan 10 साल का है। And my sister Ema is 6, और मेरी बहन Ema 6 साल की है। I have an e-pal in Karachi. e-pal ऐसे दोस्त को कहते हैं या फ्रेंड को कहते हैं जिसको आप ईमेल के ज़रिए दोस्ती जिसे आपकी हो। ठीक है, एक ऐसा फ्रेंड या ऐसी दोस्त जिसको आप ईमेल्स के ज़रिए जानते हो लेकिन आप उसे मिले ना हो। ठीक है, अब ये ईमेल के ऊपर इसने दोस्ती की हुई है, वो दोस्त उसकी कहाँ रहती है, कराची। ठीक है, आई हैव एन ई पाल इन कराची, कराची में मेरी एक ईमेल वाली दोस्त रहती है। हर नेम इज़ सायरा बर्की, उसका नाम सायरा बर्की है। ठीक है, नेक्स्ट आंसर द क्वेश्चन, अब इसके आंसर क्वेश्चन हम करते हैं। वेयर डज संद्रा लिव, संद्रा कहाँ रहती है। आपने कॉपी प्रिपेयर करनी है जिस तरह अभी मैंने लिखा हुआ है, यूनिट 1 लेसन 4, मार्जिन लाइन लगानी है। सांद्रा बेट्स फैमिली ऊपर हेडिंग देनी है इसकी। आंसर द क्वेश्चन, ये आंसर द क्वेश्चन की ऊपर लिखना है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप बुक से लिखेंगे, क्वेश्चन आप इधर से लिखेंगे, मैंने जस्ट यहाँ पे आंसर लिखे हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डज सांद्रा लिव, सांद्रा किधर रहती है। इसका आंसर है शी लिव्स इन ऑस्टन, वो ऑस्टन में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट्स हर फादर्स नेम, उसके वालिद का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हर फादर्स नेम इज एट, उसके वालिद का नाम एड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट्स हर फादर्स जॉब, उसके वालिद साहब क्या नौकरी करते हैं। ठीक है, इसका आंसर है ही इज़ अ रिपोर्टर, वो एक रिपोर्टर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट्स हर मदर्स नेम, उसकी माँ का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये है हर मदर्स नेम इज जूडी, उसकी वालदा का नाम जूडी है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट्स हर मदर्स जॉब, उसकी माँ क्या काम करती है। इसका आंसर है शी इज़ अ डॉक्टर, उसकी माँ एक डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ओल्ड इज सांद्रा, सांद्रा कितने साल की है। इसका आंसर है सांद्रा इज 8 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, वेयर डज सांद्राज ईपाल लिव, सांद्रा के ईपाल फ्रेंड जो है वो किधर रहती है। आपने लिखने हैं हर ईपाल लिव इन कराची। ठीक है, वो कराची में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 मिसिंग हो गया इधर से, क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे, हाउ ओल्ड इज सांद्राज ब्रदर, इसका आंसर है ही इज़ 10 ईयर ओल्ड।
ठीक है, एक बार ये सारे आंसर देख लें। इस जगह पे आपने वीडियो पॉज करके आंसर नोट डाउन करने अपनी कॉपीज पे, ठीक है। अब हम आते हैं इंग्लिश बी की तरफ। जैसा कि पहले आपने किया था, फर्स्ट 10 आपने किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ईगल तक कर लिए थे, सिंगुलर प्लूरल। अब नेक्स्ट 10 आज हम करेंगे ओ एन आई ओ एन अनियन, ओ एन आई ओ एन एस अनियंस, ओ आर ए एन जी ई ओरेंज, ओ आर ए एन जी ई एस ओरेंजेस, आई एन एस ई सी टी इंसेक्ट, आई एन एस ई सी टी एस इंसेक्ट्स, ए एन टी एंट, ए एन टी एस एंट्स। ठीक है, 4 ये हो गए। एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स, ई ए आर ईयर, ई ए आर एस ईयर्स, बी एस के ई टी बास्केट, बी एस के ई टी एस बास्केट्स, एफ ए आर एम ई आर फार्मर, एफ ए आर एम ई आर एस फार्मर्स, सी एम ई एल कैमल, सी एम ई एल एस कैमल्स, एस एच आई आर टी शर्ट, एस एच आई आर टी एस शर्ट्स। यहाँ तक आपने करने हैं, दोबारा देख लें। अनियन अनियंस, ऑरेंज ऑरेंजेस, इंसेक्ट इंसेक्ट्स, एंट एंट्स, फ्रेंड फ्रेंड्स, ईयर ईयर्स, बास्केट बास्केट्स, फार्मर फार्मर्स, कैमल कैमल्स, शर्ट शर्ट्स। ठीक है, इनको आपने कॉपी पे नोट डाउन करना है और इनको अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए आपका यही काम है। अल्लाह हाफिज़।